एमपी में वेस्टर्न रीजन पुलिस कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा वर्चुअली शामिल हुए। मीटिंग को लेकर नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि मीटिंग से विचारों का आदान प्रदान होता है। संगठित अपराध जैसे नक्सलवाद, अवैध शराब, समाज बांटने वाली ताकतों के मामले में विचार किया जाता है। गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पुलिस मुख्यालय भोपाल में वर्चुअल वेस्टर्न रीजन पुलिस कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग का शुभारंभ किया। मीटिंग को लेकर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मीटिंग के माध्यम से समाज को बांटने वाली ताकतों की जानकारी का आदान प्रदान होता है। वैचारिक रूप से अन्य राज्य में क्या हो रहा है, हमारे यहाँ क्या हो रहा है, इन सभी मुद्दों पर चर्चा होती है। पुलिस में हो रहे सुधारों का आदान प्रदान होता है। एक दूसरे की योजनाओं को भी साझा करते हैं। मध्य प्रदेश में पुलिस विभाग द्वारा अपराधों की रोकथाम के लिए किए जा रहे नवाचार जैसे FIR, आपके द्वार, EFIR, कोरोना योद्धाओं को सम्मानित करना, परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति देना, अपराधियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई के लिए किए जाने वाले सशक्त प्रयास इत्यादि को गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, गोवा और केंद्र शासित प्रदेश दमन दीव के साथ साझा किया जाता है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में पश्चिमी क्षेत्र में नक्सलवाद, अवैध शराब, परिवहन एवं व्यापार, साइबर अपराध, महिला अपराध और देश को तोड़ने वाली विचारधारा के खिलाफ मुखरता और मजबूती से लड़ने की आवश्यकता है। नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि बैठक में सभी प्रकार के होने वाले अपराधों को रोकने के लिए गहन विचार विमर्श के साथ मंथन हुआ है और इससे जो अमृत निकला है उसे पूरा पश्चिम क्षेत्र लाभान्वित होगा। पश्चिम क्षेत्र DGPO की बैठक तिमाही होती है, इस बार मध्य प्रदेश ने होस्ट किया है। हमारी कुछ विचारों का आदान प्रदान होता है। कुछ संगठित अपराध होते हैं, नक्सलाइट जैसी समस्या होती है, जैसे जहरीली शराब पड़ोस के प्रदेश से ना आ जाए। नक्सल गतिविधियों में हम एक दूसरे से विचार आदान प्रदान करेंगे तो स्वाभाविक रूप से अच्छा रहता है। संगठित अपराध की दिशा में, अवैध शराब की दिशा में, ये जो समाज को बांटने वाली ताकतें हैं और उसमें जो संरक्षण देने वाले लोग हैं, इसका भी विचार का आदान प्रदान हो जाता है कि कोई देश तोड़ने वाली ताकतें सक्रिय तो नहीं है, पर ऐसी ताकतों के खिलाफ भी उनके यहाँ क्या स्थिति है, हमारे यहाँ क्या स्थिति है, वैचारिक रूप से वहाँ क्या हो रहा है, यहाँ ऐसी अनेक चीज़ें हैं। और सुधार जो प्रदेश एक दूसरे लागू करते हैं अपने अपने प्रदेशों में, उन सुधारों का भी आदान प्रदान होता है। जैसे हमने FIR आपके द्वार चालू की, फिर EFIR की कैप का सिस्टम किया, करुणा योद्धा जैसी हमारे यहाँ पर नई योजना आई, हमने कांस्टेबल को हेड कांस्टेबल बनाया, हेड कांस्टेबल को ASI बनाया, ASI को SI, SI को TI, TI को SI, ये जो नए प्रयोग थे इन विचारों का आदान प्रदान किया। LNCT से आपका ब्राइट फ्यूचर बुला रहा है। फ्रॉम LNCT यूनिवर्सिटी प्रोवाइडिंग प्रैक्टिकल एक्सपोजर फॉर इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, मेडिकल, एग्रीकल्चर साइंस, पैरामेडिकल, लॉ एंड मेनी मोर। विजिट LNCTU.ac.in। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।